हिमाचल प्रदेश के पांच बड़े जलाशयों में 2 माह के लिए आज से मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2 माह तक इन जलाशयों में मत्स्य आखेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 16 जून से 15 अगस्त तक इन जलाशयों में मछुआरे बिल्कुल भी मत्स्य आखेट नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी भी तरह के आयात निर्यात किए जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है तो मत्स्य अधिनियम के तहत तो उसको जुर्माना सहित 3 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। मत्स्य निदेशालय बिलासपुर के डायरेक्टर सतपाल मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि मत्स्य प्रजनन को लेकर यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस 2 माह में निदेशालय की ओर से विशेष कैंप भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 19 कैंप गोविंद सागर झील, 3 कोल डैम, 17 पोंग डैम, 3 चंबा के चमेरा व 2 रंजीत सागर में लगाए जाएंगे। इन कैंपों में मत्स्य प्रजनन को लेकर कार्य किया जाएगा, जिसमें संबंधित सेक्टर अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। वहीं ये अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में मत्स्य आखेट पर भी पूरी तरह नजर रखेंगे। डायरेक्टर सतपाल मेहता ने बताया कि वे स्वयं भी इन जलाशयों का निरीक्षण करेंगे और अगर किसी जलाशय में मत्स्य प्रजनन को लेकर कोई बीज या अन्य संबंधित दिक्कतें आ रही हैं तो उसका समय रहते हल भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है वो मत्स्य अखेट के लिए प्रतिबंधित सीजन जो होता है, जिसमें मछलियां ब्रीड करती हैं, प्रजनन करती हैं, वो इस वर्ष से जो है वो 16 जून से लेकर 15 अगस्त तक रहेगा। क्योंकि इससे पहले जो था वो मत्स्य अधिनियम 1979 के अंतर्गत जो था वो 1 जून से लेकर के और 31 जुलाई तक प्रतिबंधित सीजन जो था वो रहता था। लेकिन हमने जो जैसे पिछले 3-4 साल से जो था वो हमारी जो मानसून्स थी वो भी डिले हो रही थी और अगस्त में जाकर के भी फिश जो थी वो ब्रीड करती थी, तो इस कारण जो है विभाग ने ये सरकार से जो है वो मत्स्य अधिनियम में रिपील करवाया था और ये अब जो है वो मत्स्य अधिनियम 2020 जो है वो हमारे जो वो नोटिफाई हो गए हैं और उनकी जो है नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो इस बार जो है वो हमारा 15 दिन जो है वो थोड़ा लेट लग रहा है मत्स्य का ये जो प्रतिबंधित सीजन रहता है और इसमें मछलियाँ ब्रीड करती हैं। इस बार विभाग जो है वो बड़ी तत्परता से जो है वो इस पर कार्य कर रहा है और हमारे अलग अलग सभी डैम, जैसे हमारे बड़े बड़े जलाशय हैं, गोविंद सागर है, पोंग डैम है, रणजीत सागर है, उसमें भी हिमाचल का थोड़ा शेयर है, और चमेरा है, और इसके साथ साथ हमारा कोल डैम है, इन सभी में हम जो है वो 2 महीने में कैंप लगाते हैं और हमारे सारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी होते हैं और अधिकारी जो है वो कैंपों में रहते हैं। हमारे ये टेंट लगाए जाते हैं, जैसे कि हमारे गोविंद सागर में जो हैं वो 19 कैंप लगाए जाएंगे और इसी प्रकार कोल डैम में 3 कैंप लगाए जाते हैं और 17 जो कैंप हैं वो उस पोंग डैम में लगाए जाएंगे और 3 जो है चमेरा में रहेंगे। इसी प्रकार जो है 2 हम रणजीत सागर में लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे 1 मत्स्य सहकारी सभा थोड़ा सा क्षेत्र है जो कि 5 से 7% के अनुसार ही आता है, बाकी का रिमेनिंग जो है वह जे एंड के और पंजाब।